हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी गोल्ड फेशियल किट बट होममेड, जो किचन काउंटर से विद जीरो इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी। तो ये मेरी नॉर्मली मैं हमेशा करने वाली मेरी गोल्ड फेशियल किट है, जो कि नेचुरली है, होममेड है एंड जीरो इन्वेस्टमेंट। बिकॉज गोल्ड फेशियल किट में जो आज यूज़ करने वाली है, नॉर्मली मेरे किचन में अवेलेबल है, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कोई मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नॉर्मली मेरे किचन में है, उसी से मेरी हो जाएगी DIY। और ये है गोल्ड फेशियल किट बोल सकते हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप मैं किट की तरह इस्तेमाल करूँगी। और बहुत जन हैं जिनको अगर स्पेंड नहीं करना है, अभी दिवाली भी आने वाली है, हम लोग बंगाली काली पूजा भी आने वाली है, अगर आपको उस समय आपको लुक फ्रेश लगना है, क्योंकि मैं अब टायर लग रही देखिए स्किन, तो मुझे लगता है कि वो पाए एकदम निखार पाए, जो आप 10 साल यंग लगेंगी और साथ में एक ग्लो आ जाएगा, इंस्टेंट ग्लो विद गोल्ड फेशियल किट, जो कि होममेड है और आप लोग ऑल सीजन में यूज़ कर सकते हैं। विंटर, समर, एवरीथिंग में, हर सीजन में ये जाएगा, परफेक्ट फॉर ईच एवरी एक्चुअली स्किन टोन, स्किन कॉम्प्लेक्शन, और सेंसिटिव वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत ही माइल्ड चीज़ यहाँ पे यूज़ की है, ज़्यादा कोई हार्श नहीं है। तो बहुत दिन से ये रिक्वेस्टिंग वीडियो थी मेरी कि प्लीज़ आपकी स्किन केयर शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मेरे स्किन केयर शेयर किया जाए, वो भी अभी दिवाली आने वाली, तो मैंने सोचा कि थोड़ा फेस्टिव मूड किया जाए। तो और भी क्या बात है, क्योंकि दिवाली में मैं भी सजने वाली हूँ, मुझे भी ग्लोइंग स्किन पाना है, तो मैं जो हमेशा करती हूँ तो फिर से अप्लाई करूँगी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होपफुली आपका ब्लॉग आज का मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, कि जब भी मैं एवरी टाइम वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो और ज़्यादा नहीं बात करते, लेट्स जंप इन द वीडियो। गोल्ड फेशियल किट के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्लींजर बनाऊंगी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप मिल्क, ये रॉ मिल्क है, और उसमें मैं एक कॉटन डीप करके रखूँगी, फिर इसे मैं इस्तेमाल करूँगी, देख सकते हैं। तो ये रॉ मिल्क यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, तो इसको मैं अच्छे से क्लींज करूँगी। कोई भी किट में फर्स्ट क्लींजर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है स्किन को, तो मैं वही करूँगी, क्योंकि मिल्क एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है, साथ में हेल्प्स सनबर्न कम करने के हेल्प्स करता है, सन डैमेज भी हेल्प होता है, साथ में बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र ये मिल्क जो है, इसके बहुत इफ़ेक्टिव है मॉइस्चराइज़ करने के लिए स्किन के लिए, साथ में रिंकल को भी बहुत कम आता है, तो इसलिए बहुत अच्छा है। और देखिए कितनी सारी गंदगी निकली है। अब मैं फेस वॉश कर लूँगी, उसके बाद देखिए मेरी फेस ऑलरेडी क्लीन लग रही है। तो इसके बाद सेकेंड में चलते हैं, जो सेकंड जो मेरा किट है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ मैं शुगर, स्मॉल ग्रैनुलर शुगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून प्लस मैंने दोनों लिया है हनी एंड शुगर, और साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मैंने लेमन जूस लिया है, इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये जो है जो स्क्रबिंग है, जो स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ मैं सेकंड वाली, ये रिमूविंग डर्ट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ईजीली रिमूव करती है, क्योंकि लेमन है जो ब्राइटनिंग करती है स्किन को, और शुगर है जो कि एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को, नेचुरल ग्लो में करने में सहायता करता है, और इसमें थोड़ा सा अगर लेमन जूस दिया जाए तो और भी ये नेचुरल जो स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है तो बहुत अच्छा है। तो इसको मैं पूरा फेस में पहले लगा लूँगी, उसके बाद हल्के हाथों से मैं इसको स्क्रबिंग करूँगी, एक्सफोलिएट भी बोल सकते हैं। तो एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे डेड सेल्स निकलते हैं, और जिससे स्किन की जो एक सेकंड लेयर निकलती है निकल कर आती है, जो कि बहुत ही अच्छी आतली स्किन लगती है, एकदम बेबी सॉफ्ट स्किन लगती है, इसलिए एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं नेक को भी मैं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सफोलिएशन ज़रूरी है। एकदम प्रेशर मत दीजिए, हल्के हाथों से इसको जस्ट मसाज करते रहिए, और मैं यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, नहीं तो मैं बहुत हल्की मतलब धीरे धीरे कर रही थी। तो इसके बाद ही मैं फेस धो के आ गई, और 3 स्टेप में जारी जो है मेरे स्टीमिंग। तो ये स्टीमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ओपन होते हैं पोर्स, साथ में ये इससे ब्लैकेट्स भी अच्छे से रिमूव होते हैं, सहायता होती है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो उसको बढ़ाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है स्टीमिंग। तो यहाँ पे मैं
करीब मैं 5 मिनट्स के करीब मैं लूँगी स्टीमिंग, ज़्यादा नहीं लूँगी, मेरे लिए 5 मिनट्स भी इनफ है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 मिनट्स कीजिए। तो मेरी स्टीमिंग हो चुकी है, अभी ओपन हो चुके मेरे पोर्स, तो इसके बाद ही मैं जाऊँगी मेरे 4th एंड फाइनल स्टेप्स। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में 1/2 टीस्पून टर्मरिक एंड 1 टेबल स्पून हनी एंड 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल एंड 2 टेबल स्पून कर्ड लिया है। तो ये मेरा गोल्ड फेशियल पैक है। तो ये है लास्ट स्टेप्स। तो देखिए ऑलरेडी गोल्ड कलर में लग रहा है। तो इस फेस पैक को आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन एक्सफोलिएशन होगी, क्लियर स्किन होगी, ब्लेमिशेस कम होंगे, सूथ करेगी, ब्राइटन करेगी स्किन, डेड सेल को कम करेगी, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाएगी, डलनेस हटाएगी, स्किन को रेजुवेनेट करेगी और आप 10 ईयर्स यंगर लगेंगे इस पैक को, फेस पैक को लगाकर, जिसकी मैंने ऑलरेडी थंबनेल में बताई थी। क्योंकि ये फेस पैक लगाने के बाद ही सच में स्किन एकदम रिजुविनेट हो जाती है, इतना स्मूथ यंग हो जाती है, जिससे बहुत ही कम एज लगते हैं हमारा। तो वरना होता है ना कभी कभी स्किन ड्राई लगता है तो एजेड लगता है, मेचर स्किन लगता है। तो ये मेचर स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा ये फेस पैक। और अगर आप मुझसे ज़्यादा भी थोड़ा सा ब्राइट और कॉम्प्लेक्स में है तो तब हल्दी थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि ज़्यादा वाइट कॉम्प्लेक्स में हल्दी थोड़ा सा रंग पकड़ लेती है। इसलिए जितना अगर आप थोड़ा और ज़्यादा ब्राइटर स्किन में हैं तो आप हल्दी को थोड़ा सा कम कर लीजिए, वरना ये परफेक्ट है ये मिक्सचर जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। इसको करने के बाद इसको मैं 10 मिनट्स रखूँगी, रख के फिर इसको मैं उसके बाद अच्छे से धो लूँगी। तो धोने के बाद मैं इस थोड़ा सा इसमें उसके बाद हल्का सा जो होता माइल्ड जो मेरा मिल्क क्लींजर है मैं उससे कॉटन से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कभी कभी हल्दी पैच मर जाती है। तो इसके बाद ही मैं 10 मिनट्स रख के फिर फेस धो के आपके पास आती हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ। देखिए मेरा आफ्टर गोल्ड फेशियल किट करने के बाद मेरा होममेड गोल्ड फेशियल किट स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों का शेयर किया। और उसके बाद ग्लो देखिए स्किन की, मेरी लुक फ्रेश ना स्किन। तो अभी थोड़ा सा हाइड्रेट करने रखी हूँ, तो थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर लूँगी। चलिए तो यहाँ मैंने पॉन्ड्स के एज मिरेकल क्रीम लिया है और मैं डॉट डॉट करे पूरा फेस में लगा लूँगी। तो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी लगाएं उसके बाद मॉइस्चराइज करने से स्किन और भी हाइड्रेट रहता है और बहुत देर तक हाइड्रेट रखता है। तो इसलिए मॉइस्चराइज ज़रूर स्किन को करें। बस हल्के हाथ से मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी स्किन को। तो होपफुली आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, मेरा जो कोल्ड फेशियल किट है। तो आगे भी मैं और भी स्किन केयर लाते रहूँगी, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। तो देखिए मेरा आफ्टर बस मैंने क्रीम भी लगा लिया, अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा मेरा स्किन का ग्लो। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही है, आपको मेरा स्किन ग्लोइंग लग रही होगी, देखिए फ्रेश फील हो रही है, स्मूथ एंड लुक्स वेरी रिफ्रेशमेंट एंड बहुत ही स्किन रिंकल तो एकदम ही नहीं होगी, स्मूथ होगी स्किन। तो होपफुली आज का मेरा DIY होममेड गोल्ड फेशियल किट आपके साथ अच्छा लगा होगा। तो आप लोग प्लीज़ यूज़ कीजिए, जिससे बताइए मुझे कमेंट में कैसे लगा आपको। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में और भी स्किन केयर वीडियो लाऊंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब। और चलिए बाय बाय।